झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर कलाम से तो मिला, उनके साथ मैंने काम किया। ओके, उनके साथ काम किया, बैठ के ऐसे साथ में काम किया उनके। बताइए फर्स्ट इम्प्रेशन क्या थी, कैसे थे? फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छी थी। तो जैसे कि सुनते थे उनके लिए कि बहुत ही सिंपल हैं, तो जहाँ उनका गेस्ट हाउस था दिल्ली में, वहीं बैठ के हमने काम किया था। तो अपना वीणा वगैरह भी बजाते थे और बहुत ही सिंपल वे में, ऐसे लगता था कि और किसी साइंटिस्ट हमारे जो कोई कोवर्कर हैं उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट के बारे में मैंने ये जाना कि क्रिएटिविटी एक फैक्टर होता है साइंटिस्ट की जर्नी में, आप ये मानते हो? बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा। साइंस इज ऑल्सो एन आर्ट। एक्चुअली क्या है कि अगर हम कोई पेंटिंग बनाते हैं या कोई हम म्यूजिक कंपोज करते हैं, तो साइंस इज ऑल्सो लाइक कंपोजिंग सम टेक्नोलॉजी। ओके, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट व्हिच वन क्रिएट्स। यही डॉक्टर कलाम की महानता थी? डॉक्टर कलाम की महानता ये थी, उनका उनका विजन था बहुत बड़ा, फास्ट साइटनेस थी कि कंट्री में मुझे सब कुछ चाहिए ये सब चीज़ें। मिसाइल टेक्नोलॉजी जब वो लाए स्पेस से, तभी वो यहाँ आए थे हमारे यहाँ DRDO में। ओके, और कुछ बताएंगे उनके बारे में एज अ ह्यूमन बीइंग, वो कैसे थे? ह्यूमन बीइंग बहुत सिंपल थे, एक कमरे में रहते थे, वो हॉस्टल टाइप का रूम में रहते थे। और जैसे मैंने आपको बताया, रात को तो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक काम चलता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जाके उनकी, उसके बाद उनकी वीणा की आवाज़ सुनाई देती थी, वो अपना मेडिटेटिव उसमें जाते थे। तो उस समय तो हमें इतना नहीं था, हमने कहा ठीक है यार, हमारे तो बॉस थे वो, बिकॉज ही वॉज द साइंटिफिक एडवाइजर टू DRDO चेयरमैन। तो बट मतलब बहुत ही बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम। एज अ बॉस वो कैसे थे? एज अ बॉस वो बहुत अच्छे थे, बहुत लोगों को वो फ्रीडम देते थे कि आप काम कीजिए, टेक्नोलॉजी बनाइए, जो रिसोर्सेज चाहिए वो उपलब्ध कराते थे। तो मेरे ख्याल से वो DRDO का कल्चर है कि आपको बहुत फ्रीडम मिलती है काम करने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि हमारे बहुत से ऐसे श्रोता होंगे जो DRDO ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनको टेक्नोलॉजी पे काम करने का बहुत अच्छा मौका है, देश की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका है ये। ओके, दोनों पैशन इसमें पूरे होंगे। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। Happiness through curiosity on the Ranveer Show.